बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी। इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो हैं आलू 2 से 3 अदद, उनको छील के धो के काट लें, क्यूब्स में काट लें। अच्छा, इसके साथ है टमाटर 1 अदद और हरी मिर्च 2 से 3 अदद, प्याज 1 दरमियानी, 1 पाव के करीब मटर है, और जो मसाले चाहिए हमें, ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच। ये है धनिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाल दिया है और ठंडे ही तेल में मैं डाल रही हूँ प्याज। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। इसके साथ ही हम अपने मसाले ऐड करते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और नमक 1/2 चम्मच। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे मटर। साथ ही मैं शामिल करने जा रही हूँ धनिया पाउडर।
मेथी मैं ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, अब मैं इसे हल्की आंच पे ढक के 5 से 10 मिनट तक पकाऊंगी। ये देखिए 5 मिनट दम देने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 गिलास पानी ग्रेवी बनाने के लिए। हमारे आलू और मटर अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर और धनिया। आलू मटर की सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।